प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी अपराधों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। ताज़ा मामला महोबा के चरखारी कोतवाली का है, जहां आरोपी ने जमीनी विवाद के चलते दो लोगों को पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये रायनपुरा यहाँ पे मोहल्ला है, यहाँ के रहने वाले लोकनाथ और इनके पुत्र अरविंद है। तो इनके चचेरे भाई लोकनाथ के साधुराम और उनके दो लड़के, इन्होंने इनके ऊपर और इनके लड़के के ऊपर लाठी से और कुल्हाड़ी से वार किया है, जिसमें इनकी डेथ हो गई। ये हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड लाए गए थे और इससे यहाँ पे सनसनी या लोगों में दहशत भी है। तो इसके लिए हम बहुत सख्त कार्रवाई कराएंगे। एक तो जो भी IPC की धारा है 302 और अन्य सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर सबकी गिरफ्तारी करेंगे। उधर चंदौली पुलिस ने व्यक्ति की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बेटे ने जमीन के लालच में अपने पिता की बेरहमी से हत्या की थी। जो घटना प्रकाश में आई तो पता चला कि जो मृतक था उसका बेटा अपने पिता से बिल्कुल घृणा करने लगा था। बाप ने जो है लगभग 18 साल पहले घर परिवार और पत्नी का त्याग कर दिया था, अकेले रहता था, उसके नाम संपत्ति थी। तो बेटे को यह आशंका हो गई कि बाप इस संपत्ति को बेच करके इसका दुरुपयोग कर सकता है, तो उसने संपत्ति के लालच में उसको रास्ते से हटाने के इरादे से घटना कारित की। वहीं कानपुर में एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी ने युवती की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, आरोपी ने कुछ देर बाद खुद को भी गोली मार ली। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। महोबा से अमित श्रोतिया, चंदौली से प्रदीप शर्मा और कानपुर से अमरीश त्रिपाठी, पंजाब केसरी TV।